अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय YouTube चैनल डैडी स्टेप अप लर्निंग, और मैं हूं किंदा मुसा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे फ्रीलांसिंग की दुनिया में एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हो, और अच्छे फ्रीलांसर बनने के लिए आपके पास किन 3 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे कि मैं खुद एक फ्रीलांसिंग की दुनिया से वाबस्ता हूँ और बहुत देर से हूँ, और जिस तरह मेरी अपने एक्सपीरियंस की बेस पर मैं आपको ये बताऊंगी कि फ्रीलांसर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और मेन चीज जो है वो क्लाइंट्स का रिव्यू होता है। ठीक है, क्या आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो उसका रिव्यू जरूर गेन करें। जैसे कि रिव्यू गेन करने के लिए आपको मैं इसी वीडियो के अंदर कुछ टिप्स बताऊंगी, और इससे आप जो है एक प्रोफेशनल और अच्छा अकाउंट आपका बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना अकाउंट पुराना होगा, जितना आपके पास सोशल प्रूफ्स होंगे, सोशल प्रूफ्स का कहने का मतलब है चाहे वो क्लाइंट्स का रिव्यू है या ऑर्डर है या आपके क्लिक्स वगैरह हैं, उनके थ्रू आप अच्छा खासा ऑर्डर क्लाइंट्स को इम्प्रेस कर सकते हो और ऑर्डर्स वगैरह ले सकते हो। तो ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप स्टेप अप लर्निंग के साथ कनेक्टेड रहें। स्टेप अप लर्निंग के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को हिट कर लें। तो चलिए व्यूअर्स, हम अपनी आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, जो मैंने आपको बताया कि क्लाइंट्स का रिव्यू आप कैसे गेन करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आप अपना एक प्रोफाइल अपनी क्रिएट कर लेते हो तो आप फ्रंट डेस्क पे हमेशा ये चीज लिखो कि भाई मुझे रिव्यू चाहिए। रिव्यू का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट काम कर रहा है तो आप उसको कहो कि मुझसे 10% डिस्काउंट ले लो या 20% डिस्काउंट ले लो। इस तरह ये होगा कि आप उससे ये बात मेन रखो कि आपसे काम करवाने के बाद वो आपको रिव्यू जरूर दे। ठीक है, रिव्यू इस तरह ताकि आपको चाहे वो अच्छा दे रहा चाहे वो बुरा दे रहा, लेकिन आपकी वो प्रोफाइल पे एक चीज ऐड हो रही है। ठीक है, तो आपने उनसे ये चीज लाजमी करनी है। दूसरा इसका स्टेप ये है कि आप जब एक क्लाइंट के साथ बैठे हो, ऑलरेडी काम कर रहे हो, एक काम करने के बाद उसको बोलो कि मुझे रिव्यू दो। ठीक है, चाहे आप फेसबुक पे काम करके किसी क्लाइंट के साथ दे रहे हो काम करके, या उसको किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट लाइक guru.com हो गया, Fiverr हो गया, Upwork हो गया, या कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, वहां पे आपने जाके क्लाइंट्स को कहना है कि आप मुझे रिव्यू दें, या आप जितनी आपने जॉब कर ली इसके मुताबिक अच्छे कमेंट्स वगैरह दें, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट जॉब आपके लिए करूंगा। ठीक है, हो सकता है वही क्लाइंट आपको दोबारा हायर कर ले अगर आपने उसके लिए अच्छा काम किया, लेकिन अपनी जो प्रोफाइल है उसमें मेन चीज अपनी रिव्यू मस्ट रखना है, क्योंकि इस तरह आपकी प्रोफाइल पे रिव्यूज, क्लिक, ऑर्डर्स की बेसिस पे ही क्लाइंट इम्प्रेस होता है कि ये बंदा प्रोफेशनल है और इस फील्ड में ऑलरेडी मौजूद है, तो ये काम का एक्सपीरियंस और ये अच्छा करेगा, तो ये चीज बहुत मैटर करती है। एंड द थर्ड वन इज, अगर आपने कोई भी क्लाइंट जो है वो फेसबुक से मार्केटिंग करके लिया है या किसी भी साइट से, अब आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, जैसे फाइवर, अपवर्क पे भी लोग काम करते हैं, तो अगर वही लोग मार्केटिंग करके फेसबुक या उससे रिलेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट कॉन्टेंट राइटिंग में ये होगा कि वो ग्रुप में लोग, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कुछ ना कुछ अपने क्लाइंट्स जब वो काम कम्प्लीट करवा लेते हैं अपने फ्रीलांसर से, तो उनके मुतालिक अच्छा रिव्यू दे रहे होते हैं कोई भी पोस्ट वगैरह, तो आप उनसे वो पोस्ट वगैरह लिखवाने के लिए बोले। हाँ, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो उनके रिव्यूज के एंगेज होता है, लेकिन आप उनको कुछ लालच दे दो 10% का, 20% का डिस्काउंट का, तो इस हिसाब से लोग जो है वो रेडी हो जाते हैं। एंड फोर्थ वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ अपना रिलेशन बिल्ड अच्छा करो। रिलेशन बिल्ड यही कि उनको थोड़ा सा डिस्काउंट दो, उनके साथ अच्छा वे ऑफ टॉक रखो, उनके काम को अच्छा करके दो, एंड आप जब उनके साथ 4 से 5 डील कर लोगे तो रिलेशन बिल्ड हो जाता है, फिर वो बंदा ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोफाइल है उस पर रिव्यू देना स्टार्ट हो जाता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि रिव्यूज के लिए कैसे पता चलेगा कि कौन क्लाइंट हमें अच्छा रिव्यू देगा या बुरा देगा या कोई दे नहीं रहा, तो ऐसे ही फाइवर और अबक वाली साइट पर जाओगे तो क्लाइंट्स की रिव्यू की हिस्ट्री भी आपको मिलती है। जब आप सर्च करते हो उस हिस्ट्री के अंदर क्लाइंट की हिस्ट्री भी मौजूद होती है, उसने जो काम करवाया और जो काम करके दे रहा हो तो उसकी हिस्ट्री भी मौजूद होती है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी एक फ्रीलांसर और फ्रीलांसिंग की वेबसाइट के रिलेटेड, कि रिव्यू जो है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, के रिव्यू जो है आपकी आईडी को, आपकी जो प्रोफाइल है, आपका जो पोर्टफोलियो है, उसको बहुत अच्छा रैंक करता है। होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।